नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज की उन सारी बाइक्स के बारे में जो BS6 में लॉन्च हो चुका है। तो आइए जानते हैं एक एक करके इसकी प्राइस और माइलेज क्या है। बजाज के लगभग 16 गाड़ियां BS6 में लॉन्च हो चुका है। पहला है CT 100। इसमें 102 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 7.9 PS का पावर और 8.34 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 94 के MPL है जो 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और प्राइस 48,474 रुपये है जो प्राइस एक शोरूम प्राइस दिल्ली का है। दूसरे नंबर पर है CT 110। इसमें 115.45 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 8.6 PS का पावर और 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 74 के MPL है जो 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और इसकी प्राइस 50,772 रुपये है। तीसरे नंबर पर है प्लेटिना 100। इसमें 102 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 7.9 PS का पावर और 8.34 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 94 के MPL है। इसकी प्राइस 54,797 रुपये है। इसमें भी 4 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है। चौथे नंबर पर प्लेटिना 110 एस गियर। इसमें 115.45 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 8.6 PS का पावर और 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 84 के MPL है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है और इसकी प्राइस 59,200 रुपये है। छठे नंबर पे है सॉरी पाँचवें नंबर पे है एवेंजर 160 स्ट्रीट। इसमें 160 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 15 PS का पावर और 13.7 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 45 के MPL है और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज़ किया गया है और इसकी प्राइस 94,893 रुपये है। छठे नंबर पे है एवेंजर 220 क्रूज। इसमें 220 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 19.03 PS का पावर और 17.55 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 40 के MPL है और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और इसकी प्राइस 1,16,000 रुपये है। सातवें नंबर पर है पल्सर 125 नियॉन एडिशन। इसमें 124.4 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 12 PS का पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 57 के MPL का है और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है और इसकी प्राइस 74,118 रुपये है। आठवें नंबर पर है पल्सर 125 स्प्लिट सीट। इसमें 124.4 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 12 PS का पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी माइलेज भी सेम है 57 के MPL और प्राइस 79,595 रुपये है। इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है। नौवें नंबर पर है पल्सर 150 नियॉन। इसमें 149.5 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 14 PS का पावर और 13.4 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी माइलेज 50 के MPL है और इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज़ किया गया है और इसकी प्राइस 85,536 रुपये है। दसवें नंबर पर है पल्सर 150 ट्विन डिक्स। इसमें भी 149.5 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 14 PS का पावर और 13.25 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी 50 के MPL का माइलेज मिलता है और इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है। इसकी प्राइस है 98,835 रुपये।
और 11वें नंबर पे आता है पल्सर 220F। इसमें 220 सीसी का इंजन लगाया गया है जो पावर निकालता है 20.4 पीएस का और टॉर्क 18.55 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है जो माइलेज निकालता है 40 kmpl का और इसकी प्राइस है 1,17,000 रुपये। 12वें नंबर पर है पल्सर NS160। इसमें 160.3 सीसी का इंजन लगाया गया है जो पावर निकालता है 17.2 पीएस का और टॉर्क 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसका माइलेज 42 kmpl है और प्राइस 1,03,000 रुपये। और इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है। 13वें नंबर पर है पल्सर NS200। इसमें 199.5 सीसी का इंजन लगाया गया है जो पावर निकालता है 24.5 पीएस का और टॉर्क 18.5 Nm का जनरेट करता है। ये माइलेज निकाल देता है 35 kmpl। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है और इसकी प्राइस है 1,25,000 रुपया। 14वें नंबर पे है पल्सर RS200। इसमें 199.5 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 24.5 पीएस का पावर और 18.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसकी माइलेज 35 kmpl है और इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स का यूज़ किया गया है और इसकी प्राइस 1,44,000 रुपये है। 15वें नंबर पर है डोमिनार 250। इसमें 248.77 सीसी का इंजन लगाया गया है जो पावर निकालता है 27 पीएस का और टॉर्क 23.5 Nm का और इसकी माइलेज 35 kmpl है और इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है और इसकी प्राइस है 1,60,000 रुपये। और आखिरी बात करते हैं 16वें नंबर पे है डोमिनार 400। इसमें 373.3 सीसी का इंजन लगाया गया है जो पावर निकालता है 40 पीएस का और टॉर्क 35 Nm का। इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स का यूज किया गया है और इसकी माइलेज 27 kmpl है और इसकी प्राइस 1,91,000 रुपये है। ये सारी प्राइस एक शोरूम प्राइस दिल्ली का है। तो दोस्तों यही था बजाज की कुछ गाड़ियाँ जो BS6 में लॉन्च हो चुका है।